ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले दो दिन से अल सुबह और रात में ठंडक एकाएक बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 5 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं। कभी तापमान एक दिन में 5 से 8 डिग्री बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। इस लगातार होने वाले बदलाव के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, आइए जानते हैं। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद शहर में ठंड ने दोबारा एंट्री दी है। शहर में तापमान लगातार उतार चढ़ाव कर रहा है और इस बढ़ते घटते तापमान पर मौसम विशेषज्ञ की माने तो पश्चिम विपोक्ष के कारण ये सब हो रहा है। दरअसल समुद्र की सतह का तापमान जब एकदम से बढ़ता या घटता है तो इसका असर जमीन पर 2 या 3 साल बाद होता है। इस वक्त तापमान में जो बदलाव हो रहा है वह अलनीनो और लानीनो के डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। जब समुद्र की सतह का तापमान एकदम से कम होता है तो उसे लानीनो कहते हैं और अगर बढ़ जाता है तो उसे अलनीनो कहते हैं। ये पश्चिम विक्षोभ जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, पश्चिम विक्षोभ का मतलब है कि दो टाइप्स के डिस्टर्बेंस होते हैं, एक अलनीनो और एक लानीनो। अलनीनो जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें क्या होता है कि समुद्र की सतह का तापमान है वो एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, और लानीना जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होता है कि समुद्र की सतह का तापमान है वो एकदम से कम हो जाता है। तो इसका असर असल में तुरंत नहीं आता, इसका असर वर्ल्ड लेवल पे या हम कहें कि ग्लोबल लेवल पे होता है और वो 2 साल 3 साल बाद हमको देखने को मिलता है, जिसका असर अभी हमको देखने को मिल रहा है कि तापमान में एकदम से या तो गिरावट आ रही है, 3 डिग्री 4 डिग्री की गिरावट आ रही है, और या फिर एकदम से बढ़ोतरी हो रही है 5 डिग्री 7 डिग्री के आसपास पर। हम यदि पिछले सप्ताह की बात करें तो हमको पिछले सप्ताह में सडनली एकदम से हमारे यहाँ टेम्परेचर 9 और 10 डिग्री के आसपास चला गया जो मिनिमम तापमान, और जो अधिकतम तापमान है वो 24-25 डिग्री के आसपास हो गया था। वो एक सप्ताह के आसपास रहा लेकिन फिर से चेंजेज हो गए और ये जो अलनीनो का असर आया उसके कारण तापमान में फिर बढ़ोतरी आई और जो मिनिमम तापमान है वो हमारा 10-11 से बढ़कर 16 और 17 डिग्री हो गया, और जो मैक्सिमम तापमान है जो या अधिकतम तापमान है वो 24-25 से बढ़कर 31 और 32 आ गया। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम तापमान है उस दोनों में 5 से 6 डिग्री का उछाल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।